हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं अपने बोगनविलिया के प्लांट की। देखिए मेरे बोगनविलिया के प्लांट में कितने सुंदर फ्लावर आए हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने बोगनविलिया के प्लांट में ढेर सारे फूल पाना, देखिए मेरे बोगनविलिया का प्लांट और उसके फ्लावर देखिए बिल्कुल गुच्छे में है और बिल्कुल इतना सुंदर दिख रहा है ये प्लांट। बहुत छोटा सा पौधा है ये, पर इसने फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त की है। आज हम लोग बात करेंगे इसकी केयर की। देखिए फ्लावर इतने सारे हैं, इसकी वेट से ये डाल देखिए बिल्कुल ज़मीन में छूने को हो गई है। ये देखिए बहुत पुराना प्लांट नहीं है मेरा, बस मुश्किल से मैंने इसे 3-4 महीने पहले लगाया है। बस इसकी केयर मैंने बहुत अच्छे से की है। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट के बारे में। फ्रेंड्स, को आप फुल सनलाइट में रखिए इसको, 6 से 7 घंटे की अगर आप सनलाइट नहीं देंगे तो ये बिल्कुल फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अच्छे फ्लावर पाने के लिए इसे 6 से 7 घंटे की धूप दीजिए। और सबसे कमाल की बात फ्रेंड्स, इसके फ्लावर जो हैं वो 15 से 20 दिन या मैं कह सकती हूँ कि लगभग 1 महीने तक रहते हैं। इसलिए इतने ज़्यादा दिनों तक रहने के लिए ये एक्चुअली फ्लावर नहीं होते, ये इसकी पेटल्स ही होती हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत लगा, ये मेरा पहला बोगनविलिया का प्लांट है। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। वाटरिंग के लिए आप इसको बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे तो ये अपने लीव्स और फ्लावर को गिरा देगा, इसलिए आप इसकी वाटरिंग बहुत ध्यान से कीजिए। इसे आप कम पानी देंगे तो चलेगा, पर ये प्लांट ओवर वाटरिंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए आप इसे या तो एक दिन छोड़कर पानी दीजिए या फिर आप इसे 24 आवर में एक बार पानी दीजिए। जैसे आज शाम को दिया है तो आप इसे पानी अब कल शाम को ही दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके खाद के बारे में। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए फ्रेंड, जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था नर्सरी से लाकर, तभी मैंने इसमें खाद डाली थी। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच आप खाद मत दीजिए। अगर आप नाइट्रोजन रिच खाद दे देंगे तो क्या होगा कि ये फ्लावरिंग कम करेगा और पत्ते ज़्यादा ग्रो करेगा। इसलिए हमें तो फ्लावर की ज़रूरत है, पत्तियाँ उतनी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने इसे जो इसको रिपोर्ट करते समय पॉटिंग मिक्स बनाया था उसमें मैंने डाला था वर्मी कंपोस्ट और बोन मिल। बस ये 2 ही खाद मैंने इसको दी थी। बोन मिल की वजह से इसने बहुत अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस किए हैं। देखिए मुझे इसे रिपोर्ट किए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसलिए मैंने इसे दोबारा फर्टिलाइज नहीं किया है, फिर भी इसने बहुत अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस किए हैं। इसीलिए जब भी आप कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करें उसकी सॉइल मिक्स बहुत ही अच्छी बनाएं और जो प्लांट आप लगा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाएं। इसे पोटेशियम वाली खाद बहुत पसंद आएगी इसके फ्लावर्स के लिए, तो आप इसमें आप बनाना पील की जो खाद होती है होममेड खाद, जिसे जैसे बनाना पील को आज शाम को आप भिगा दीजिए पानी में और अगले दिन शाम को आप उस पानी को छान कर इस प्लांट को दीजिए। इस खाद की वजह से ये बहुत अच्छे फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके पॉट की। जैसे आप नर्सरी से प्लांट लाकर इसे बहुत बड़े पॉट में मत लगा दीजिए। जैसे देखिए मैंने इसे लगाया है 8 से 10 इंच के पॉट में, इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है क्योंकि इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अगर आप इसे बड़े पॉट में लगा देंगे तो ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी जड़ें सड़ जाएंगी। प्लांट की बहुत अच्छे से केयर करिए बारिश के मौसम में, ये गर्मियों में बहुत सुंदर फ्लावर देता है और इसे देखकर तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इस प्लांट को देखकर मुझे मन कर रहा है कि मैं 1-2 प्लांट और बोगनविलिया के लगा लूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।